बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और एग्जामबिगिस प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं टू प्रिपेयर 50% फास्टर। बाकी कोचिंग जहां आपको लाइव क्लासेस उनकी रिकॉर्डिंग्स पे उलझाए रखेंगे, वहीं एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंटेंट टू द पॉइंट शॉर्ट एंड क्रिस्प देता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी है जो पूरे टाइम लगी रहती है कंटेंट को बनाने में। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड का एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन कब है। आज हमारे पास नाबार्ड की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स भी हैं। सो एग्जाम की अगर हम डेट्स की बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने बता तो दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या चाहते हैं, आप वैसा सोच सकते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, हम तो तैयार ही नहीं है। सो दोस्तों जब से आप ये बातें कर रहे हैं ना, अगर आप तब से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो भी बहुत टाइम है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को अगर सीरियसली प्रिपेयर करना है ना तो कितना टाइम लगता है। आपको अगर बेसिक आइडिया भी नहीं, अगर आपको बिल्कुल शुरू से भी स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो 100% तो नहीं पढ़ना है, कोई हमारा एग्जाम वैसा तो नहीं है सब्जेक्ट का कि मेरे को 100 out of 100 लाना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो अगर आप 50% टॉपिक्स भी करके इसको इजीली कर सकते हैं टाइम में। जब हमने पहले बताया था तब से 3 महीने हो चुके, 3 महीने लगभग, क्योंकि सितंबर में एक नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है तो हमने आपको लगभग पिछले महीने बता दिया था, तब से 3 महीने थे। अब देखो टाइम कम हो गया है, अब 2 महीने बचे हैं, धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपके पास 50 days बचेंगे और धीरे धीरे टाइम बीता जाएगा और एग्जाम ही आ जाएगा। तो ऐसे में बेनिफिट केवल उन स्टूडेंट्स को होता है जो सीरियस होते हैं और जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ये देखना है, इन इफ बट में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आपको इफ बट में रहना है ना तो आप सिंपल काम कर सकते हैं। लास्ट ईयर की नाबार्ड की 2023 वाली वीडियोस देखिए, जिसमें हमने बताया था नोटिफिकेशन कब आने वाला है और नोटिफिकेशन आया, बट उसके बीच में स्टूडेंट्स ने क्या किया। सो अगेन ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अभी यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड डेट्स होंगी और जो हमारे हमको न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। कोई भी चेंज होगा तो हम वो भी आपको कन्वे करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से आपको कुछ बता रहे हैं, जैसा हमें पता चला वैसा हमने बताया। पहले हमें डेट्स नहीं पता थी तो हमने नहीं बताई, अभी हमें डेट्स पता है तो हम आपको बता रहे हैं। अगेन ये टेंटेटिव है, सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये टेंटेटिव है, चेंजेस तो हो ही सकते हैं, बट जैसा जो भी चेंज होगा अगर हमें पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नाबार्ड का जो एग्जामिनेशन है वो 3-4 सितंबर की लाइन पे है, तो नाबार्ड का एग्जामिनेशन 1 सितंबर को शेड्यूल्ड है। तो जनरली क्या होता है, नोटिफिकेशन 50 days पहले आता है, तो बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 2022 की तरह ये 12th of July को ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 12th of July स्पेशल डे है, नाबार्ड का फाउंडेशन डे है, तो उस दिन आ सकता है। ओके, हालांकि इसका कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकता है। अब देखो आरबीआई में क्या होता है, ये सुशील लगड़े सर ने आपको पिछली बार बताया था जब अपने एक वीडियो बता रहे थे, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये उन्होंने आरबीआई का बता रहे थे। तो आरबीआई में क्या है, देखो आपने कल देखा कि उन्होंने जो टेंडर दिन आउट किया है न्यूज़पेपर्स के लिए वो कटिंग देने के लिए नोटिफिकेशन की, बट नाबार्ड ऐसा कुछ शो करता नहीं है। तो नाबार्ड का अगर आप देखेंगे ना बहुत वैसा चलता है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ बहुत रैंडम चीजें चलती हैं। हमेशा हम कहते हैं कि नाबार्ड ने सरप्राइज दिए हैं, नाबार्ड के रिजल्ट भी सरप्राइज होते हैं, नाबार्ड के एग्जाम भी सरप्राइज होते हैं, तो सरप्राइजेस बहुत कुछ हो सकते हैं। सो फिलहाल ये 1 सितंबर है और जो मेन्स एग्जामिनेशन है वो 19th of October है। लास्ट ईयर 16th of October को प्रीलिम्स था, तो आप देखिए ये आपका प्रीलिम्स है, ये आपका मेंस है, इसके बीच में 50 days का लगभग गैप आप मान सकते हैं। सो अभी क्या करना है, क्योंकि अभी आज से लेके 1 सितंबर तक, अगर हम बात करें कि जून तो ओवर हो चुका है, जुलाई की हम बात करें, जुलाई से लेके सितंबर आपके पास 2 months हैं, यानी कि 60 days आपके पास हैं, और उसके बाद आपके पास October 20th तक 50 days बचेंगे। तो अभी आपको अपनी पूरी मेहनत किस पे करनी है, इन 60 days में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। प्रीलिम्स अगर अच्छा हो जाएगा तो 50 days सफिशियंट होते हैं, जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे, तो मेंस की टेंशन लेना छोड़ दीजिए, अभी आप पूरा फोकस किस पे कीजिए, प्रीलिम्स पे। तो नाबार्ड की नोटिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी जो नाबार्ड के नोटिफिकेशंस आए हैं पिछले 3 साल में वो जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में आए हैं, बट कोई बहुत बड़ा लॉजिक मैंने आपको बताया ना कि इस बेसिस से हम कोई लॉजिक नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप ऊपर के देखेंगे तो सब रेंडम है, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। जो एक्सपेक्टेड डेट है जो हमारे सोर्सेज से पता है हम उसके बेसिस पे आपको बता सकते हैं। तो ये जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा 1 सितंबर और 19 अक्टूबर। तो बस दोस्तों जो सीरियस स्टूडेंट है और जिनको इस बार करना है, सीरियसली प्रिपेयर करना है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी से पहले जो प्रिपेयर कर रहा था वही निकाल पाएगा। अगर आज भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से भी क्या करना है, दिन रात नहीं मेहनत करनी है, 8-8 घंटे 20-20 घंटे नहीं पढ़ना है इसके लिए, सिर्फ ये करना है स्मार्ट स्टडी। पहले ही मैंने आपको बताया है कि नाबार्ड निकालना बाकी एग्जामिनेशन से निकालने से इजी है, क्योंकि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना पड़ता है,
बहुत कम स्टूडेंट है जो प्रॉपर बैलेंस बना पाते हैं, तो वो कुछ करना है और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। हमारी एक इंट्रो क्लास होगी 30th को, स्ट्रेटजी और वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने आपको पहले ही 60 डेज का ARD ESI GN DM का स्पेशल प्लान दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल भी रही हैं अभी। बट अगर आपने किसी भी बैच को ज्वाइन किया है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं किसी भी कोर्स को। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही कोर्स, आप कहीं भी कोर्स लिया है बस उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और यहाँ पे हमने एक स्टडी प्लान दिया है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं 60 डेज का। इसमें हमने टॉपिक मेंशन किया, आपने उनको बस ये टिक करते हुए चली कि हाँ मेरा ये कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपने कम्प्लीट किया है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगेन एक अच्छी न्यूज ये है आपके लिए कि नेक्स्ट 60 डेज में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके नेक्स्ट 50 डेज में मेंस एग्जामिनेशन होगा। अब ये आप पे है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अपने आप अपने लिए एक अचीवमेंट में कन्वर्ट करते हैं। बाकी आपकी हेल्प के लिए हम है ही, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।